अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्ती गाइस। तो यार आज जो है वो G2 जो है मेरे पास आया है, दो सैंपल्स हमारे पास आए हैं आरकस G2 मिनी के। काफ़ी जो है इसकी रिक्वेस्ट थी G2 मिनी की, आज जो है वो आपके लिए आ गई है। इसकी जो है वो रिक्वेस्ट थी, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे, थोड़ी सी लेट आई है। अच्छा खैर, अब इसको जो है वो ट्राई करते हैं, कोई भी एक जो है वो कलर खोलेंगे। मैंने ऑरेंज कलर जो है मैंने खोल लिया है, इसके अंदर जो है वो सेम फ्लेवर ऐड करूँगा जो मैं फ्लेवर नॉर्मली यूज़ करता हूँ अपने पोर्स में। और फॉर द टाइम बीइंग जो है आपने मेरी अगर फ्लेवर क्री की फ्लेवर वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैं जो है वो मिंट फ्लेवर मुझे पसंद आया था, वो मैं आजकल जो है वो मिंट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं मिंट ही इसमें ऐड करूँगा, मिंट ही ऐड करके इसको ट्राई करूँगा और चेक करूँगा कि क्या टेस्ट देता है ये। तो आप लोग जो है वो अनबॉक्सिंग देखें उतनी देर में, और मैं जो है इसके अंदर फ्लेवर जो है वो फिल कर लेता हूँ। ओह सॉरी, तो कोई भी एक जो है वो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास जो है वो एक ग्रे कलर में है, एक जो है वो ऑरेंज कलर में है, तो हम ऑरेंज कलर जो है वो खोल लेते हैं फिलहाल। और डब्बे के अंदर आपको जो है वो सिर्फ एक डिवाइस मिलती है और साथ कुछ कार्ड्स हैं, आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब ये एक जो है आपके पास एक कार्ड आ जाता है डब्बे के अंदर, और उसके बाद आपके पास एक यूज़र मैनुअल आ जाता है G2 के डब्बे के अंदर, और अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है। और एक आपके पास जो है वो डिवाइस आ जाती है, सिंपल डिवाइस ही है, कोई चार्जिंग केबल वगैरह नहीं है या कोई एक्स्ट्रा आपके पास कार्टेज नहीं है, सिर्फ एक ही कार्टेज के पास आपके पास एक डिवाइस आ रही है। अब डिवाइस जो है वो मुझे ऐसा लगा था कि डिवाइस जो है काफ़ी छोटी होगी, लेकिन ये डिवाइस जो है वो काफ़ी बड़ी डिवाइस है। इतनी भी छोटी डिवाइस नहीं है जैसे वो नज़र आ रही थी वीडियोज़ में, लेकिन ये है कि काफ़ी छोटी डिवाइस नहीं है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। नॉर्मल जो डिवाइस आ रही हैं उसी के मुकाबले की डिवाइस है। अब फ्रंट पे अगर देखें तो आरकस का हमारे पास ब्रांडिंग आ जाती है, नीचे हमारे पास एक लाइट आ जाती है। एक और इसकी बड़े मज़े की चीज़ है कि इसके नीचे भी आपको एक लाइट दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ देर देकर। बैक साइड पे देखें तो हमारे पास जो है वो एक एयर फ्लो आ जाता है, और आप इसको सेट कर सकते हैं। एयर फ्लो जो है वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ना ज़्यादा जो है वो नॉर्मल है, ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा नरम है, बस ठीक है एयर फ्लो। जहाँ पर सेट करेंगे आपका वो हिलेगा भी नहीं है। एक हमारे पास जो है इसके साथ कार्टेज आ जाता है, अगर आप कार्टेज को देखें तो ये 0.7 मैश का जो है वो हमारे पास कोई लगा हुआ है इसके अंदर, और इस कार्टेज को आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने MTL के लिए, निकोटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस में ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए, कार्टेज को सिर्फ लगाते हैं। आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइट आप चेक करें, नीचे दो लाइट जो आपको दी गई हैं, और ये मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ लगी है आरकस G2 मिनी की, कि इन्होंने एक फ्रंट पर भी लाइट दी हुई है और एक आपको जो है वो नीचे भी लाइट दी है। जैसे ही आप इसको इनहेल करेंगे तो ये लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी, और फ्रंट लाइट आप चार्जिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग के वक्त भी आपको शो करवाएगी आपकी बैटरी परसेंटेज जो भी डाउन होगी या लो होगी या आपकी 100% होगी उसको शो करवाएगी। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है, लाइट जो है वो काफ़ी मज़े की है, और ये लाइट का एक कलर नहीं है, आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर की जो है वो लाइट मेरे ख्याल से नीचे दी गई है। अब इनहेल करने पे भी आपको डिफरेंट किस्म की लाइट शो करवाएगा, आई डोंट नो, आप वो डेफिनेटली इनहेल करके चेक करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं सिर्फ आपको जो G2 मिनी में मिलती हैं, एक आपको यूज़र मैनुअल मिलता है, एक आपको डिवाइस मिलती है, और एक कार्टेज मिल जाता है आपको 0.7 मैच का। तो आप इसमें जो है वो फ्लेवर ऐड करते हैं, और फ्लेवर ऐड करके इसको टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। तो यार अनबॉक्सिंग जो है वो आपने देख ली है, फ्लेवर जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है, अगेन मिंट वाला फ्लेवर है वो मैंने ऐड किया है, इसको डेफिनेटली ट्राई करके यूज़ करके चेक करेंगे कि यार क्या फ्लेवर देता है ये। दो तीन चीज़ें जो है इसमें वो नोटिस करने वाली ये हैं कि 1200 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, जो वन ऑफ द बेस्ट बैटरी है। नॉर्मली 1000 mAh 1100 mAh आती होती है, 1200 mAh जो है वो अगेन आपके 2.5 दिन 3 दिन निकाल जाती है अगर आप नॉर्मल पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो मेरे ख्याल से 2 दिन फिर भी आपकी निकाल जाती है। दूसरी चीज़ इसकी नोटिस करने वाली ये है कि इसमें सिर्फ आपको 0.7 वाला जो है वो ओम का कोयल आ रहा है, दो कोयल नहीं है आपके पास, सिंगल कोयल आ रहा है, क्योंकि ये बजट डिवाइस है, बजट डिवाइस में फिर आपको एक ही कोयल मिलता है। अगर बजट प्राइस की बात करें तो मेरे ख्याल से ये 5000 के अंदर आपको मिल जाएगा, ये 4500 से 5000 तक मेरे ख्याल से इसकी रेंज होनी चाहिए, 4500 से 5000 तक आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल कार्टिज के साथ आ रहा है। तीसरी इसकी मज़े की बात यह है कि यार पहले मुझे इस तरह का लगा था कि ये डिवाइस ना काफ़ी हल्की होगी और काफ़ी छोटी होगी, लेकिन अभी जो फिलहाल मेरे पास डिवाइस आई है, मैंने हाथ में पकड़ी है, तो मतलब इतनी छोटी डिवाइस नहीं है, इतनी छोटी डिवाइस नहीं है जितनी छोटी डिवाइस नॉर्मली जो है आपको वीडियोज़ में या आपको जो है उनकी वेबसाइट पर देखने से लग रही थी, इतनी छोटी नहीं है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से फ्रंट साइड पर जो है वो मतलब टोटली इसका जो है वो एलुमिनियम जो है वो लुक दी गई है, अगर आप इसका वेट देखें तो काफ़ी वेट है इसका, और एलुमिनियम डिज़ाइन दिया गया है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, मेरे ख्याल से हम लोगों को जो है वो एक एयर फ्लो भी दे दिया गया है, बैक पे आप एयर फ्लो सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नॉर्मली जो बजट डिवाइस आ रही होती हैं उनमें एयर फ्लो नहीं दिया जाता है, इसमें आपको एयर फ्लो भी मिल जाता है। मेन जो इसकी मुझे बड़े मज़ेदार चीज़ लगी है वो ये लगी है कि आप जैसे ही आप कार्टेज लगाते हैं वो लाइट एक जो है वो आपको बड़े मज़े की जो है वो शो करवाता है नीचे से, मेरे ख्याल से इनहेल करने पर भी आपको ये लाइट शो करवाएगा, फ्रंट साइड पर भी आपको एक लाइट जो है वो दी गई है,
एक फ्रंट साइड पे लाइट है और एक लाइट जो है वो मेन लाइट नीचे है, जैसे आप पीते हैं तो सामने की साइड से जो है वो आपको नज़र आती है लाइट, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आर्गस सीरीज़ में इन ये जो ब्रांड है ओप्पो, उसमें मेरे ख्याल से बजट डिवाइस में अभी तक 2024 में ये वाली जो डिवाइस है वो सबसे बेस्ट है बजट सीरीज़ में, जिसमें आपको एयर फ्लो भी दे दिया गया है, 1200 mAh बैटरी दे दी गई है, नीचे एक लाइट दे दी गई है, फ्रंट पे एक लाइट दे दी गई है, 0.7 ohm का जो आपको कोयल दे दिया गया है। आप टेस्ट जो है वो ट्राई कर लेते हैं। नॉर्मली आर्गस के कोयल आपको पता होगा कि इतने लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं, लोगों ने जो है वो जब से वो कोयल का सड़ना वो ख़राब हुआ था, लेकिन इन्होंने कोयल बाद में चेंज भी कर दिए थे, उसके बावजूद जो है वो उनको मसले आ रहे हैं लोगों को, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में इतना ज़्यादा मसला है। हाँ टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, खैर टेस्ट ट्राई करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं इसका क्या सीन है। कोयल तो सेम ही है, P2 और जो G2 जो वीडियो की थी वही सेम कोयल है, लेकिन ये है कि अब इसको ट्राई करते हैं, ज़रा चेक करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कि एक दो जो है वो पफ लेके आप बता देते हैं कि यार फ्लेवर कैसा आ रहा है, आप जो है इसको एक 3, 4, या 10, 11 पफ लेके फिर बताया करें। मैं उन लोगों को ये बताऊंगा कि यार मेरे पास डिवाइसेस जो है वो 1 से 2 महीना पहले आई होती हैं और मैं उनको यूज़ कर रहा होता हूँ, या मैं अपने किसी दोस्त को देता हूँ यूज़ करने के लिए, उसको देता हूँ टेस्ट करने के लिए, तो वो ऑलरेडी जो है वो टेस्टेड होती हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को बता दूं कि यार कितने की डिवाइस है, क्या रिव्यू है उसका, कितनी उसकी बैटरी चलती है, कितना उसका कार्टेज चलता है। अब आर्गस के जो कार्टेज हैं जो पहले आ रहे थे वो तो ख़त्म हो गए हुए हैं बिल्कुल कार्टेज। अब नया कार्टेज मैंने आपको आर्गस P2 और G2 वाली वीडियो में भी बताया था कि आप इसको क्लोज से देखेंगे, इसके अंदर जो दो टावर हैं जो इन्होंने जो है वो दो टावर से बनाए हुए हैं कोयल के बिल्कुल साथ, प्लास्टिक के टावर हैं, ये टावर जो है वो नए कोयल में आ रहे हैं इनका, बिल्कुल जो लेटेस्ट कोयल है 3 ml वाला उस कोयल में ये टावर आ रहे हैं, और ये कोयल की लाइफ अच्छी है, इतनी बुरी लाइफ नहीं है, आपके तकरीबन मिनिमम 20 दिन निकाल देती है। फ्लेवर की अगर बात करें तो फ्लेवर अच्छा फ्लेवर दे रहा है। अगर आप अगेन मैंने P2 और G2 वाली वीडियो में भी बताया था कि यार 19-20 का फ़र्क है, अगर आप इसको मेरे फेवरेट ब्रांड वेपराजो से मिलाएंगे तो 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, टेस्ट अच्छा दे रहा है। सही है, टेस्ट बेहतरीन टेस्ट है। अभी लोगों ने ना बस थोड़ी सी रूमर्स जो है वो फैलाए हुए हैं कि यार आर्गस के कार्टेज खत्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, अब आर्गस की डिवाइस नहीं अच्छी है। मैं बिल्कुल सही डिवाइस है भाई, जो सीधी सी बात है, जो मुझे टेस्ट जो है वो मैं आपको पता होगा मैं ऑक्सवा की डिवाइस जो है वो यूज़ कर रहा था, उसमें मिंट का फ्लेवर यूज़ कर रहा था, क्री वालों का अगेन क्री का जो है वो मिंट फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ। जिन्होंने इसकी फ्लेवर्स की वीडियो नहीं देखी वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, लेटेस्ट वीडियो है फ्लेवर्स की, वन ऑफ द बेस्ट फ्लेवर है मिंट का, और मेरे ख्याल से वही सेम टेस्ट जो है वो मुझे इसमें भी आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है यार, लाइट भी आपको दिया, 1200 mAh बैटरी है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, उसके साथ आपको जो है वो एक कार्टिंग मिल जाता है, फ्लेवर भी आपको अच्छा आ रहा है। मेरी तरफ से जो है ना रिकमेंडेशन है इसकी, आप इसको बजट सीरीज में जो है वो खरीद सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का टेस्ट है, आप लोगों का जो है वो पसंद है, आप लोगों की विश है कौन सी आपने डिवाइस लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। ये डिवाइस मेरी तरफ से जो है वो बजट सीरीज में रिकमेंडेड है, आप इसको खरीद सकते हैं, और गिववे जो है वो जल्दी आ रहा है, इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आपको गिववे की वीडियो जो है, गिववे काफ़ी बड़ा बहुत जो है वो आपको काफ़ी बड़ा गिववे है, मतलब मैं ये सिर्फ इस वीडियो में बता देता हूँ, बाकी चीज़ जो है वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा गिववे वाली में। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उस वीडियो के बाद जो है मैं गिववे की वीडियो अनाउंस कर दूंगा, उसके बाद जो है वो फिर वेब की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी गाइज आज की मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें ताकि मेरे नोटिस में रहें गिवअवे के लिए आप लोग, और मुझे दें इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।